गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो मैं उठ चुका हूँ। गुड़िया सो जाया करो। नहीं, गुस्से में गाइस, इसको सुनाना पड़ेगा। अभी हमारा दिन रात एक हो रखा है, नींद हराम हो रखी है। मेरी शक्ति बुला रही है गाइस, मैं जाती हूँ। बिस्तर का है, बिस्तर दे दो। शांति रहियो। ये पूरा कमरा तहस नहस कर रखा। जोर से बोलो। बच्चे उठ जाएंगे, जोर से बोलो। तीनों ने एक ही कैटेगरी की है। गुस्सा आ रहा है, गुस्सा ऐसा हो जाएगा ना। नहीं, नहीं, नहीं। ये लड़की ना जब भी आती है इस कमरे में ना, इसको डिस्टर्ब करके चली जाती है। देखा, दो माँ का यही फायदा होता है, एक की आवाज़, एक की खुशबू और पापा का रुतबा। अच्छा लगा इसे, बोल दे तू। बाकी दो बाल का के पीछे क्यों पड़ रहा है? ओहो, तो इतनी इंटेलिजेंट कैसे होगी? झूठी। काम करती, इसको चेक करती। मुझे समझ ही नहीं आता गाइस, इतना कम क्यों सोता है? काम वो नहीं करते ना, इनका ध्यान दे रहे आजकल। दो साल के लिए मैनेज कर लो, फिर मिलते हैं। इतना रोता क्यों बेटा? अच्छा हुआ ट्विंस नहीं हुए मेरे को। इसकी आवाज आती है इतनी तेज, मेरे को डर लगता है बहुत ज्यादा। कहो मैं बेटी को, पता नहीं कब सोएगा कब नहीं सोएगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। छोरा हरियाणा का, छोरा हरियाणा का भाई, देख मेरा टोरा। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। तो टाइम हो रहा है अभी 12:19 और आप सभी को पता है जैसे कि अभी हमारा दिन रात एक हो रखा है। वैसे तो हम जल्दी सो गए थे, 8:30 बजे सो गई थी मैं, और मैं उठी हूँ 10:30 बजे, ठीक है। लेकिन अभी आपको क्वाएं क्वाएं की आवाज आ रही होगी, तो जैद उठ चुका है। अभी जैद को पहले शांत करेंगे, उसके बाद देखेंगे तूबा रानी को और अयान राजा को। तो अभी देखते कितनी देर और सोएंगे दोनों, और मेरे को कितनी और देर बैठ के वेट करना पड़ेगा कि कब उठे, कब मैं उन्हें फिट कराऊं वापस उनके साथ सो जाऊं। तो गाइस, हम लोगों ने प्रेगनेंसी में सोचा था कि हमारे तीनों बेबीज अच्छे से हो जाए, हेल्दी तरीके से हो जाए ना, तो हम लोग ना वैष्णो देवी जाएंगे, मत्था टेक के आएंगे, और उन्होंने हमारी इतनी बड़ी जो मनोकामना थी वो पूरी कर दी। पर एक काम करना, पायल तू भी गई थी ना चीकू के साथ? तो पायल भी गई थी चीकू को लेके, जब चीकू बहुत छोटा था और चीकू को मत्था टिकवाने उसके बाद नहीं गई। और जैसे बेबीज हमारे 1.25 महीने के हो जाएंगे ना, तब हम जाएंगे। क्या वो बेटा आवाज आ रही है बहुत देर से? नींद हराम हो रखी है, क्या करूं, अब होगी तो होगी। मैं गया ना अभी ना, नीचे शिफ्ट हो गया था 2 दिन के लिए, तो गोलू और पायल कह रही है हमारा दिल नहीं लगता, आपके कपड़े अलमारी में नीचे रख देंगे, तुम ऊपर ही सोया करो। हमारा दिल नहीं लगा मतलब कि ना, उस दिन चीकू के पापा गाइस 2 दिन के लिए दिल्ली गए थे किसी काम से, ठीक है। तो पीछे से पता नहीं क्या हुआ अचानक से ना, मतलब कि साथ ही रहते हैं बट याद आने लग गई कि ये दिल्ली गए हैं। तो पायल उस दिन रोने लग गई, पायल को देख के मैं रोने लग गई, हम दोनों इतने सैड इमोशनल गाने सुने। तो जब चीकू के पापा अभी आए ना, तो मैंने पता गाना कौन सा चलाया है, ये कौन सा संदेश? गोलू कह रही है ये तूबा है, ये आयान है, ये जैद है, गिफ्ट आए हैं चीकू के। जैद की शक्ल ऐसी क्यों है? पर जैसी भी है बहुत प्यारी है। जो माँ होती है ना गाइस, उसको बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं, मतलब कि ना कैसी भी हो, कुछ भी हो, हमारे बच्चे हमें कितना भी तंग करे फिर भी हमें बड़े प्यारे है। ये सपना जो बहन है उनकी एक लड़की है, तो मैं बोला एक काम कर सपना, तू परेशान मत हो, तेरा भाई बैठा, एक काम कर, एक बच्चा तू ले जा गोद। तो ना उसी टाइम ना दोनों की शक्ल ना ऐसी देखने लायक थी, इन्होंने ना बोला जैसी, तो ये मैं थोड़ा कोने बैठी हुई थी, ठीक है, तो मैं जैसी मैं तो ऐसे कर ली, मैं कहीं मुझे ना बोल दे। फिर पायल ने बोला, फिर मैंने इशारा किया इनको ऐसे, नहीं इन्होंने मेरे को बोला उसको दे दे, चीकू की तरफ इशारा, दे दो इसको, दे दो थोड़ी देर बाद मैं किसको? दोनों को बोला था इन्होंने। अच्छा। पहले बोला गाइस, पहले बोले चीकू की तरफ इशारा किया, हाँ। उसको दे दे, मैंने कहा दे दो, फिर आयान की तरफ इशारा, इसको दे दे, मैं दे दो, फिर बाद में दोबारा मेरी तरफ देखा उन्होंने ऐसे, नहीं मेरे को, मैं तो कोने से कर रही, चीकू के पापा तेरे से बात करे ना, तुमने क्या नहीं गाइस देखो, चाहे माँ के 7 बच्चे हो चाहे माँ के 12 बच्चे हो, उसमें इतनी शक्ति होती है कि 12 को पाल सकती है। मेरी शक्ति बुला रही है गाइस, मैं जाती हूँ। नहीं, एक बात तो सच है, कोई भी लगा लो, जैसे एक माँ है, एक हस्बैंड है, अगर पति की डेथ हो जाती है ना, तो बीवी बच्चों को पाल लेती है, वो दूसरी शादी भी नहीं करती, और खुदा ना खास्ता बीवी की डेथ हो जाती है तो पति बच्चों को नहीं पाल सकता, 90% पति नहीं पाल सकते, उसके बाद उसको दूसरी शादी करनी ही पड़ती है। बच्चों को पालने के लिए एक माँ चाहिए होती है उनको। तो भैया मैं तो हमेशा ही कहता आ रहा हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ है, और माँ से ऊपर कोई भी नहीं, कोई सिस्टम नहीं। अभी सोने का, आपको इसके चेहरे से लग रहा है सोएगा? मुझे नहीं लग रहा। हाँ। क्या लगता है? ठीक है, टाइम पास रात न बैठे रहो आराम तो नहीं, अभी तो हम जागते रहेंगे, जागते रहेंगे, कोई बात नहीं, जैसे दोपहर होगी जैसे शांति रोलियर वो आ जाएंगे, उस टाइम हमारे होता है बिस्तर का है बिस्तर दे दो। आज तो मैं सब बड़ा है जीत सीन, मैं पूरी रात जागी, जैसे ना 10 बजे मैं वेट कर रही है शांति कब आएगी, मैं आंख लग गई 10:15 हो, तो मैंने ना देखा शांति आ गई है, जैद सो रहा, हल्के से जैद ने ओया करा, शांति रहियो, जैद को लेके जा, दरवाजा बंद करती जा, मैं सो गई। गाइस देखो, एक बात तो कहनी पड़ेगी, इन्होंने ना LCD का ना ऐसा बना रखा है, हैंगर बना रखा है, ये पूरा कमरा तहस नहस कर रखा है, उस कमरे में चले जाओ वो भी तहस नहस कर रखा है। मैंने इतने शौक से घर बनवाया था कि सारी चीजें हर जगह चीज रखी जाए, अब ये देखो ये जो चिपका रखा है, ये इन्होंने दोबारा कोशिश नहीं करी, क्यों? वो पीछे की वो निकल जाएगी। अरे नहीं उतर, ये पागल, बहुत महंगा लगवाया था मैंने, प्राइम है, ये देख
आया ना। अच्छा गाइज, हम लोग बहुत ही जल्द करने वाले हैं जागरण, डेट में कभी भी फाइनल कर सकती हूँ। हाँ, और कौन कौन आना चाहते हैं कमेंट जरूर करना, मैं और अपनी फैमिली के साथ पहुँचे हम तो जागरण करेंगे भैया फुल धमाकेदार। तो एक तरह से मिलना जुलना भी हो जाएगा आप लोगों से, वार्तालाप तो नहीं हो पाएगी पर मिलना जुलना हो जाएगा। और बस बहुत सारी मस्ती करेंगे उस दिन, पूरी रात बैठेंगे, जागरण करेंगे, ऊपर वाले का नाम लेंगे, माता रानी का नाम लेंगे, जोर से बोलो, बच्चे उठ जाएंगे, जोर से बोलो। एक का डर रहता है मुझे आजकल बाकी तो नहीं, अभी आयान भी ऐसा ही हो रहा है मेरे को पता है, मुझे क्या लग रहा है, आयान, जैद और चीकू तीनों ने एक ही कैटेगरी के। तो कुछ लोगों ने ना कमेंट आ रखे थे कि जो आपकी व्लॉगिंग है ना वो दुनिया से अलग है, कुछ लोग ना घूमने फिरने की व्लॉगिंग दिखाते हैं, कुछ लोग बाइक की, कुछ लोग खाने की, कुछ लोग टूर एंड ट्रेवल की, पर आपके जो व्लॉग होते हैं ना पूरे घर वालों के, घर की घर में रहते हैं। तो भैया हम बहुत आलसी हैं, हम घूमने फिरने के बिल्कुल शौकीन हैं, हमें अच्छा लगता है, पर हम लोग वहाँ जाएंगे, वैष्णो देवी जाएंगे, देखना थोड़ा बड़े होने के बाद इसमें देगा। ये 3 महीने का, इसमें अभी तो 1 महीने का, 1 महीने का, इसमें 3 महीने का, 3 महीने गुस्सा आ रहा है, गुस्सा ऐसा हो जाएगा ना। चीकू सब बच्चे में सुंदर है, बहुत ब्रेव है, बहुत ब्रेव है। जैसे आते आते हल्का से डूब गया, तो गाइस मैं ना अभी डूब गया था, पानी बहुत सारा है, मतलब अंदर ना व्लॉग, जैसे हम जैसे हो ना, अगर हम हल्का से डूब जाए तो हम व्लॉगिंग छोड़ दे कि व्लॉगिंग जाए अपनी जान बचाए, वो बंदा दोनों चीजों को कर रहा है, छोटा सा 6 साल का बच्चा है। अरे वो वो झूलने वाले। तो गाइस जिसने व्लॉग नहीं देखा तो बायो में लिंक जाकर जरूर देख लेना, बहुत ही कमाल का व्लॉग था। या फिर चीकू वाले चैनल पे देखोगे ना, तो हम गए थे वाटर पार्क, तो वहाँ पे वो व्लॉग मैंने बनाया था। पायल इधर आ, इधर तो आ, आजा पायल आजा, चाइल देखियो। नहीं नहीं नहीं, अब गुस्सा उठ गया, वो यार सो रहा था देख ले। अरे मेरे मम्मी को बुलाया, इसके शोर से, इसके शोर से हुआ। ये लड़की ना जब भी आती है इस कमरे में ना, इसको डिस्टर्ब करके चली जाती है। इसको मेरी आवाज इतनी पहचान है, क्योंकि ये गाइस ये 9 महीने पेट में रहे, तो मैं इससे फुल बातें करती थी। तेरे से बड़ी जल्दी सोता है, मेरी खुशबू पता है इसको, तेरी आवाज पता है। देखा, दो माँ का यही फायदा होता है कि आवाज एक की खुशबू और पापा का रुतबा। तो गाइस इसकी मुझे लग रहा है पेट में दिक्कत सी कुछ हो रही है, तो कॉलिक एसिड है इसमें, इसमें है ग्राइप वाटर भी होता है इसके अंदर। गाइस इसके अंदर है इंस्टेंट कॉलिक ग्राइप वाटर, मतलब पेट में दर्द होता है ना तो ये जो ड्रॉप्स है ये काम आती है। अच्छा लगा इसे, दवाई दवाई ना दवाई, मामा दवाई पिला दी दवाई। ये ले बेटा, बाकी दो बाल का के पीछे क्यों पड़ रहा है, खा लिया पी लिया अब सो जा बेटा। तो गाइस मेरे को बिल्कुल समझ आई, तू बाकी दो बच्चों के पीछे क्यों पड़ रहा है, तूने अपना खा पी लिया आराम से सो जा। ओहो, तू इतनी इंटेलिजेंट कैसे होगी, हमारी हरवाणी तो समझ में नहीं आती, इसको सारी आती है हमारी, ऐसी है मेरे को समझ सब आता है, समझ सब आता है, झूठी कभी कभी नहीं आता। तो गाइस पाने ना जैद को थोड़ा बहुत सुला दिया है, थोड़ा बहुत क्या, मुझे लग रहा है सर सो गया, चेक करने जाती हूँ, काम करती हूँ इसको चेक करती हूँ। दीदी मेरे को देख रहा था दोनों आंखें खोल के, यार मुझे समझ ही नहीं आता गाइस इतना कम क्यों सोता है, मैंने इसको क्या मतलब ऐसे कोई घुट्टी नहीं खिलाई ना पिलाई कि बेटा तू कम सोया कर कुछ किया कर, प्रेगनेंसी थी तब भी मैं सही खाती पीती थी अपना, कुछ भी ऐसा हरकत नहीं करी मैंने, मैं भी सोती थी, पता नहीं ये क्यों कम सोता है, रात जागा ज्यादा करता है गाइस। देखो उसकी एक चीज दिखाऊं, इसकी ना इसके घर में चलेगी, इसके परिवार में मतलब उसके बच्चे बच्चे बीवी बीवी इसकी चलेगी। अच्छा, इसकी अंगूठा छोटा है और ये वाली उंगली लंबी है। हाँ जी, ये बच्चों को पानी खा लेगी। तो गाइस ये नीचे जा रहे हैं अपना बाल्टी लेके, क्योंकि नीचे का जो आरो है ना खराब है, तो इनको पानी पीना हो यार, मतलब सच में इतने मेच्योर हो गए ना चीकू के पापा। पहले क्या थे, जब बच्चे नहीं थे ना, चीकू था तो मैं रोज रात को उनकी पानी की बोतल भर के रखती थी, आजकल बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, सब कुछ खुद कर रहे गाइस, बिल्कुल भी मतलब आप मानोगे नहीं, मैं और पायल ना बिल्कुल भी इनका कोई जो काम है वो नहीं करते ना, इनका ध्यान दे रहे आजकल, क्योंकि जो हमारा ध्यान है ना सारा बच्चों पे है। कोई बात नहीं, 2 साल के लिए मैनेज कर लो फिर मिलते हैं। पायल कहाँ जा रही है, इनको छोड़ने जा रही है, तो फिर काम करती हूँ। तो गाइस मैं तो हूँ कैमरामैन, तो मैं भी चलती हूँ, अगर पायल चल रही है, तूबा चल रही है, पापा चल रहे हैं इसके, तो मम्मी पीछे क्यों रहे, मैं भी चलती हूँ। नमस्ते भैया। नमस्ते, आज आपके घर में हम आए हैं, मैं आपका वेट कर रहा था नीचे। अच्छा, तो गाइस इस फ्लैट में है भैया लोंडे लपाड़े, और मेरे कपड़े दिखा देता हूँ, मेरे कपड़ों की जो दुर्गति कर रखी है ना वो यहाँ पे है, देखो ये मेरे कपड़े सारे, ये आपकी अलमारी। तो गाइस आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि अरमान जी वो नीचे शिफ्ट कर रही है, नीचे निष्ठा रहती है, तो ऐसा कुछ नहीं, निष्ठा अपने घर गई हुई है और अरमान जी इस रूम में रह रहे हैं, अब निष्ठा जो है वो हमारे साथ ऊपर वाले रूम में रहेगी लक्ष्य के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो है सूरज भैया, मंदीप भैया और चीकू के पापा सारे लोंडे लोंडे। मंदीप भाई हाँ जी, ओके रिपोर्ट है, ओके रिपोर्ट भाई जी, पानी भर लिया है आपके रूम में, आरोटी खाली भाई, क्या देख रहे हो, मैं ही देख रही हूँ, हर जगह हमारी फोटो है, हर जगह ना, हमने कोई भी दीवार नहीं छोड़ी गाइस की फोटो ना लगाई हो, हर जगह फोटो। हाँ भाई, मैं कह रही हूँ कि आज स्टूडियो में कोई नहीं है, लोंडे एडिटिंग करके चले गए, करके चले गए, चलो आप भी गए हो अपने घर पे, चलो भैया सुबह मिलते हैं, निकलो यहाँ से, चलो बाय। हाँ चलो बाय बाय बाय, चलो यार चल, फिर क्या मन नहीं कर रहा जाने का।
बाय। ऐसा लग रहा है आप तुम्हारे बॉयफ्रेंड हो। हम आपके गर्लफ्रेंड हैं, आपसे मिलने आए हैं। चुपके। हाँ, हमारे पापा मम्मी ऊपर हैं। जाओ। बाय। देखो पता है मैंने इसको कितने कपड़े बना रखे हैं। तो गाइस आज ना क्या हुआ था कि तुबा ना बहुत रो रही थी। तुबा रोती नहीं कभी भी, दूध के लिए भी नहीं रोती, ऐसी बिल्कुल। तो ना तुबा इतना रो रही थी, इतना रो रही थी। तो मेरे को एकदम बोला उसने, हमारी नानी ने बोला कि तुबा बहुत रो रही है। जैसे उसने बोला ना तुबा बहुत रो रही है, ओहो मेरा इतना रोना छूटा, इतना रोना छूटा, मैं इतना रोई। फिर गोलू ने इसको दवाई दी, मैंने दी डॉमस्टॉल, और दीदी ने इसको वो नुस्खा किया जो ऐसे यहाँ पे चाट के करते। फिर ये मतलब 5 मिनट में सो गई। फिर मैं जाके तसल्ली से पकड़ी। तो यहाँ पे रात के बज रहे हैं 2:14, दिख रहे होंगे गाइस आपको। और ये हमारा आयान सो रहा है, मेरा चीज। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे सो रही है तूबा और अपना दीदी। तो गाइज यहाँ पे इसको सुलाने की पूरी जद तो जहद लग रही है। ये लड़का उठा था 12 बजे, 12 बजे से अभी हो गए हैं 2:19, तो ये लड़का अभी तक नहीं सोया है। तूबा उठी थी, तूबा को मैंने फीड कराया, मतलब वो 1:15 बजे सो गई। अब वो उठेगी लड़की 4:30 बजे। आयान जो है, आयान मेरे हिसाब से 10 बजे सोया था है? और अभी बज रहे 2, तो अभी तक तो नहीं उठा वो। अब मुझे ऐसा लग रहा है ये दोनों बच्चे जगेंगे नहीं, वो जगेगा और ये सोएंगे। क्या बोलूं, एक डकार लिया मछल रहे हैं अभी, फिर रो रहे हैं। था पिछले दिन में ये मछली, ये तो इतना रोता क्यों बेटा? मछली तो नहीं था गोलू, ये तो इतना रोता क्यों है? मछली तो चीकू था, उसके कान के पास हुआ ना हल्का सा, तो उससे क्या होता है? मुझे तो ये मछली लगता है, जितना मचलता है ना ये, सोचता वो होता है। इसको टेंशन हो रही है बिजनेस की है, कि कैसे मम्मी का यूट्यूब चैनल संभालना है मुझे आगे जाके, या भाई के चिरायू मलिक शॉर्ट्स पे, या चिरायू मलिक चिरायू पायल मलिक में मेरे को व्लॉग बनाना है, क्या करना है इंस्टाग्राम। इसे अभी से टेंशन हो रही है। क्या कह रही तू? मैं वैसे ही बोल रही हूँ पायल, अच्छा हुआ ट्विंस नहीं हुए मेरे को है। अगर ऐसे गाइस दोनों ट्विंस हो जाते ना, तो सच में मैं क्या। देखो ये लड़का जो है ना, ये 5 मिनट भी ना चैन से नहीं रहता। इसको है कि कोई इसको घुमाए फिराए ये करे, पर ऐसी आदत हम बच्चों को डाल नहीं सकते। अगर ऐसी आदत डालेंगे ना तो फिर वो बहुत रोएंगे। इसको कोई डालने की जरूरत नहीं, अपने आप डाल लेगा। कौन सी आदत? ये ऐसे घुमाने फिराने वाले। पायल यार कल मैं कल सोच रही इसलिए झूला लिया हूँ नीचे से। जैद देखो मम्मा के बुला रहे हैं। यहाँ पे पायल भी ट्राई कर रही है, पता पायल तू तो खुद ही लड़ी है ना। अब मैं हिलूंगी तभी तो हिलेगा। यार कितनी मेहनत है गाइस, सच में कोई मेहनत देखो भाई, हमारी जो टाइम है ना वो आपको बताता होगा कि हम लोग कितनी मेहनत करते हैं। सच में गाइस रातों की जो नींद है ना वो उड़ चुकी है बिल्कुल। हर दिन यही सोचती हूँ कि यार आज रात को सोऊंगी अच्छे से, आज रात को सोऊंगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो शुक्र मना रही हूँ पायल का, कसम से। पायल ने बोला गोलू तू सो जा, मैं 2-3 घंटे सो गई तो मुझे जाके आराम मिला। और पायल देखो उसको झूला दे रही है ना, अब वो खुश है, तो चैन आ रहा है, चाहे दूसरा बंदा बेचैन हो जाए। कोई नहीं, इसका सोना जरूरी है, ये सोएगा तो बाकी बच्चे उठेंगे नहीं। इसे डर भी लगता है हमें। तो गाइस यही रीजन है कि मैं इसको लेके ना बाहर बैठती हूँ, क्योंकि जब मैं अंदर बैठती हूँ ना इसकी आवाज आती है इतनी तेज करके, तो उस डर से ना चीकू ना उठ जाए, तूबा ना उठ जाए, अयान ना उठ जाए। मेरे को डर लगता है बहुत ज्यादा कि बाकी बच्चे ना उठ जाए, तो इसलिए मैं आ जाती हूँ बाहर। तो गाइस ये ना हमारा 2:30 बजे का क्या बोलूं, नाश्ता बोलते हैं क्या बोलते हैं समझ नहीं आ रहा, जो भी है वो है दूध और साथ में चावल। 3 बजने वाले हैं, आँख खोल के देख रहे हो ऊपर। नहीं इसको नींद तो आ रही, पर ये सोना नहीं चाह रहा। ऐसा क्यों करता है ये? पता नहीं कावा मैं बेटी को, कावा मैं बाबू को। जैद ना हाथों से बोलता है। 4 घंटे लगेगी। अच्छा एक थोड़ी देर में फिर चेंज करेगा, 2 घंटे। मजाक मत उड़ा के, सॉरी मेरी बेटी। रोने लगी, सो जा। तो गाइस 3:02 हो गए हैं और ज़्यादा अभी तक नहीं सोया। अयान भी उठ गया है, अयान को पायल फीड करा रही है, ज़ैद को नींद ही नहीं आ रही, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। पता नहीं कब सोएगा कब नहीं सोएगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। ज़ैद की ना स्लीप साइकिल बहुत ही खराब हो चुकी है, क्योंकि हम दोपहर को सोते नहीं है, रेस्ट नहीं करते, और रात को ये नहीं सोता। तो ऐसा हो रहा है कि 24 घंटे में से ना सिर्फ 4 या 5 घंटों की नींद पूरी हो रही है। तो गाइस टाइम हो रहा है 6:01 और हमारी तूबा जो है सबसे पहले वही जगी है। ये मेरे हिसाब से 2:30 बजे सोई थी, 6:01 पे उठी है, वापस से मेरी गोदी में सो गई है। ये देखो गाइस ये तूबा मलिक। तो ऐसे उठना पड़ता है मुझे बीच बीच में। अब 7 बजे चीकू को स्कूल जाना है, तो उसके लिए भी उठना पड़ेगा। तो गाइस अभी बज चुके हैं सुबह के 7:30 और मैं उठी हूँ 6 बजे से। 6 बजे तूबा उठ गई थी, फिर मैंने उसको फिट कराया, वो सोई 6:30 बजे। फिर 6:30 या 7 बजे के करीब हमारा आयान उठ गया था, फिर उसको फिट कराया। अभी जो है चीकू के लंच में सब्जी नहीं थी, रात को कोई सब्जी, करेला बनाता तो करेला वो खाता नहीं है। मैंने उसके लिए ग्रेवी वाले आलू बनाए और सपना दीदी ने बनाए हम सबके लिए चाय और परांठे।
तो यहाँ पे आज हमने तीनों ने मिलकर किया है चीकू को रेडी। यहाँ पे चीकू नहा धो के रेडी हो चुका है, बस कपड़े पहन रहे, कोलू सॉक्स बना रही है उसे। तो गाइज मैं कर लेती हूँ अभी नितिन भैया को कॉल, क्योंकि नितिन भैया छोड़ के आएंगे चीकू को। टाइम कितना हुआ बेटा? 7:44, तो ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है इसका। तो गाइस चीकू का जो लंच है वो हो गया है पैक, और लंच में आज है परांठा, आलू की सब्जी, और इधर है केक, और इधर है ग्रेप्स। सारी चीजें पैक कर दिया, बस चीकू के चाचू भी आ गए, चीकू बस स्कूल के लिए रेडी हो गया। फटाफट चीकू स्कूल चला जाए। और साथ ही साथ ना पाए आज ना हम लोग सोच रहे शांति को बोलेंगे किचन में ना जितने भी ढक्कन है ना वो मिलते नहीं है, अभी 10 मिनट लग गए ढक्कन ढूंढने में। पहले क्या करते थे मैं और पाए सिमेट्रिक करते थे, यहाँ पर ढक्कन अलग डब्बे अलग। गोलू मैं एक काम कर रही हूँ, तो तुम्हारा आलू भुजिया डाल के इसके बैग में सब लंच वंच डाल दे, मैं क्लीन कर रही। बाय चीकू, बाय, लव यू। यहाँ पे क्या हो गया? मेरे को लग रहा है ये उस टाइम पे लगा भैया इसको, स्विमिंग पूल वाटर पार्क गया था ना वाटर पार्क, तो लग गया, लाल हो रहा है चीकू। इतने सुंदर जूते चीकू, एक दिन में क्या हाल कर दिया बेटा, आंख चमकाऊंगा। ओके, तो गाइस जैज भी उठा था अभी थोड़ी देर पहले, उसको मैंने फटाफट सुला दिया, साथ ही साथ तूबा भी उठी थी, अयान भी उठा था, तीनों बच्चे उठ गए थे। जैद उठा है 6:30, तूबा अयान उठे 6 बजे के करीब, तो हम तीन दोनों ने मिलके तीनों बच्चे सुला दिए। अब बस नाश्ता कर रहे हैं क्योंकि लग रही बहुत तेज भूख। जब आप फीडिंग करवाते हो ना बच्चों को और साथ ही साथ ना जागते रहते हो रात को, क्योंकि अगर सोते तो भूख कम लगती है, बट अगर आप जागते हो ना तो भूख बहुत तेज लगती है। तो यहाँ पे आ गया हमारा मजेदार नाश्ता, जो पायल ने बनाई सुबह सुबह सब्जी करेले साथ में चाय परांठा, पेट भर के खाते हैं फिर थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। तो गाइज हमने कर लिया अपनी पेट पूजा, अब करेंगे काम दूजा। तो काम दूजा ये है कि हम सोएंगे क्योंकि नींद आ रही है बहुत तेज, और तीनों बच्चे सो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ना देखो अपना एस्टीमेट पता चल गया, तो अभी बज रहे हैं 8:15, 11 बजे के करीब ही उठ जाएंगे हैं पर 2 घंटे 10 बजे तब तक सो जाते हैं। तो वहाँ से अयान और तूबा को लिया, एक को मैं लेके आती हूँ, तू लेके आ। किसको उठा रही है? मैंने सिर्फ इसकी ब्लैंकेट उठाई, मैं चल सुसू चेक करूँ। डायपर पहना हुआ इसने? हाँ इसका डायपर नहीं निकाला यार, निकालती हूँ अभी उसका। तो एक काम कर, यहीं सो दे इनको, यहीं सो दे, मैं यहीं सो जाती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो मैं उठ चुका हूँ, मैंने नाई नाई भी कर ली है, मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। तो गाइस आप हमेशा देखते होंगे बच्चे ऐसे कपड़ों में दिखते होंगे आपको, क्योंकि हमारे बच्चों को ना हम डायपर नहीं लगा रहे हैं अभी, और इसको ना थोड़ा सा कट पड़ गया है साइड पे ना, तो इसको तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे हम, 3-4 दिन बिल्कुल नहीं लगाएंगे। मैं बेटी को गुड मॉर्निंग कर दो सबको, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस। पायल नितिन भैया कोई भाषा में बात करे समझ रहे थे, वही करना तू ही बात किया करना फिर, वो ध्यान से देख रहा है इसके इसके बाल और शक्ल देख के। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? तो कल की नींद बहुत ही कमाल की हुई है, और मेरी नींद किसने खराब की है? ऑल गुड वालों ने। तो भाई आज हमारे भाई पहुंचे हैं अयान से मिलने के लिए, क्योंकि क्या होता है ना हम में, क्या होता है ना 10-15 दिन तक ना कोई आता नहीं है बाहर से, और इतना था इनको पता। तो आज अयान हो गया है पूरे 10 दिन का, और छोरा आ गया है। हाँ भाई छोरा है, छोरा है, सोरे लोंडा। तो जैद से मिलवाता हूँ, वो जाकर जैद जागता है फुल, ये सोता है, शरीफ बच्चा है बहुत। तो आज हमारे बच्चे जो है ना बिल्कुल पूरे अच्छे से रेडी हुए हैं, बस आयान नहीं हुआ है, क्योंकि आयान को प्रॉब्लम मैं बता दूंगी क्या है। ये दोनों शादी में जा रहे हैं, ये लोग मैरिज एनिवर्सरी में जा रहे हैं किसी की। तो गाइस जैद और तू जा रहे बर्थडे पार्टी में, देखे तो सही एक बर्थडे पार्टी में कितना रेडी हुआ है बच्चा, इसको देख लो आप। कहाँ कोई रहती है, बस ये अयान जो है शांति से सो रहा है, क्योंकि इस लड़के को थोड़ी सी तकलीफ हो गई है, जैसे लिटाई थी वैसे लेटी हुई है। तो इसको हमने जैसे लिटाया था ना ये वैसे ही लेटी हुई है, देखो बिल्कुल पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, देख लो। तो आज मैं इसके पापा सुला रहे हैं इसको, मैंने कहा एक काम करो आप सुलाओ, और सच में इसके पापा ने सुला भी दिया है विद इन 2 मिनट्स, 2 मिनट के अंदर आंखें खोल रहा है। वैसे भाई बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, सो जा बेटी सो जा। ये आंखें पता क्यों खोलता है? तो ये आंखें खोलता है मेरी वजह से, इसको मेरी आवाज जाती है ना कान में तो आंखें खोल लेते हैं। तो गाइस अभी अभी अरमान जी के फ्रेंड आए थे रिक्की भैया, वो बहुत ही प्यारे प्यारे गिफ्ट लेके आए हैं, तो ये त्यूबा के लिए आया, ये अयान और जैद के लिए आया, दोनों मिलके यूज करेंगे। साथ में बहुत ही अच्छा कीको का पूरा सेट आया है, जो कि बेबी बात के लिए होता है, रेटल आए हैं, एक और वो रेटल आया है, और एक और कीको का वो आया। तो मतलब हमारे पास अभी इतने सारे हो गए ना, 8-10 डब्बे हो गए ये वाले। तो गाइज यहाँ पे मेरे बच्चे जो है, 2 बच्चे सो गए हैं, 1 बच्चा जाग रहा है, जो जाग रहा है उनका नाम तो बताने की जरूरत होगी नहीं, अब तो आप क्या कहते हैं उसे, यूज्ड टू हो गए होंगे उस नाम से। तो यहाँ पे हमारे तूबा और अयान सो रहे हैं, और मैं यहाँ खाना खा रही हूँ। तो गाइस आज ना मैंने इनका जो बेड है ना थोड़ा डेकोरेशन करी है, तो ऐसे छोटे छोटे सी ना ये लगा दिए हैं, और यहाँ पे पिलो लगा दिए हैं, यहाँ गिफ्ट आए थे गिफ्ट। गुड़िया शो दिया करो, यार शो दिया करो बे, तू कोनी शोई शोई करती है। तो ये लड़का है ना मेरी बात बिल्कुल नहीं मानते, कौन नहीं मानता है। अब ना डॉक्टर बोल रहे थे कि ना आप ना बच्चों को सुबह सुबह जगा के रखा करो और रात को सुलाया करो, ये तो जागता ही रहता है सुबह भी रात को भी, सोता बहुत कम है बेटा।
नहीं गुस्से में गाइस इसको सुनाना पड़ेगा। चलो ठीक है मम्मा सुनाती है आपको। आज मेरी छोटी बच्ची बहुत परेशान हूँ स्किन को लेके, सोना भी अब दो चार दिन से ठीक कर रहा हूँ, खाना भी कर रहा हूँ, फिर भी कोई आराम नहीं है, डॉक्टरों से तो दिल्ली उठ गया मेरा। तो गाइस आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। नमस्ते, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।